बड़वानी जिले के सेनवा के जवाहरगंज में 36 वर्षीय युवा की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इसे मिलाकर बड़वानी में अब तक 42 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हो चुकी है। इसमें से 32 लोग उपचार के पश्चात अपने घर को वापसी कर चुके हैं। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने पर सैनिटाइजर बांट रहे सेनवा शहर के सदर बाजार क्षेत्र किराना व आयुर्वेदिक दुकान संचालक लोगों को आरोग्य सेतु ऐप उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। संचालक राहुल अग्रवाल अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भारत सरकार द्वारा जारी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर करने भारत सरकार द्वारा जारी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐप डाउनलोड करने वाले को दीवान 50 मिलीलीटर की सैनिटाइजर की एक बोतलनी शुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। दीवान ने बताया कि अधिक से अधिक लोग इस एप्लीकेशन का उपयोग करें और सरकार को कोरोना वायरस से लड़ने में सहयोग प्रदान करें। राहुल अग्रवाल, राहुल जी, एक नई पहल शुरू की है आपने, किस तरह से लोगों में जनजागरूकता ला रहे हैं और क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? देखो, ऐसा है कि भारत सरकार जो प्रोत्साहित कर रही है लोगों को आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए, लेकिन कई लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे डाउनलोड किया जाए, क्या इसके रूल्स हैं और क्या है, मतलब किस कारणों से। तो अपन ने ये पहल शुरू करी है कि ये हमारे यहाँ जो भी कस्टमर सामान देने के लिए आता है और हम उनको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने हैं तो समझाते हैं, उनके कारणों को समझाते हैं कि कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है, क्या इसके सब हैं। तो अगर कोई कस्टमर ऐसा करता है तो उनको हमारी दुकान की तरफ से एक निश्चित उपहार देते हैं। क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं उपहार में? उपहार में हम सैनिटाइजर की 50 ml की बॉटल या फिर मास्क देते हैं, जो भी हमको उपहार देना होता है, मतलब हमारी तरफ से दुकानदार एक निश्चित उपहार हम उनको देते हैं। मतलब कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए आप ये अभियान चला रहे हैं? बिल्कुल, कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए कि आदमी सुरक्षित रहे, घर में रहे, स्वस्थ रहे। जी, आपका? मेरा नाम राहुल अग्रवाल है और मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन और जड़ी बूटी का व्यापार करता हूँ। यहाँ पे गुलजारी लाल मीनाराम के नाम से मेरी शॉप का नाम है। राहुल जी, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या खास कर रहे हो आप? कुछ खास तो नहीं, भारत सरकार जो लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आरोग्य सेतु आप डाउनलोड करें, सुरक्षा में रहें, उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि जो भी कस्टमर हमारी दुकान पर आता है सामान खरीदने, उसको हम आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और अगर वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करता है तो हमारी दुकान की तरफ से, हमारे व्यवसाय की तरफ से उसे ये 50 ml का हैंड सैनिटाइज़र फ्री में दिया जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है। अच्छा, अभी तक कितने लोगों को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दिया आपने? हमने अभी ये एप्लीकेशन किया, आज से शुरू किया आपने? ये हमने आजकल में शुरू करा है, तो कभी ज़्यादा लोग हुए नहीं है, 10-15 लोगों को हमने निःशुल्क दिया है अभी। ये जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे जो भी है फिर। अच्छा, इसी के साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है कि नियमों का पालन करवाया जा रहा है? बिल्कुल, 100% ग्राहकों को। हमने व्यवसाय के बाहर हमने लाल सफेद घेरे बना रखे हैं 4-4 फीट की दूरी पे। हम बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हमने एक सर्वेंट को हमने बाहर खड़ा कर रखा है, वो निर्देशों का बिल्कुल पालन कर रहा है, सबको हैंड सैनिटाइज कर रहा है सबके, और सबको दूर दूर खड़ा रखना, एक सर्वेंट हमने भारी खड़ा कर रखा है इस विषय में, ताकि इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सुरक्षा का पालन हो। अच्छा, ये कब तक चलेगा, कब तक जारी रहेगा? ये आपके द्वारा जो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाने का जो प्रयास है, ये कब तक चलते रहेगा? ये तो हर संभव प्रयास जारी रहेगा हमारा, ये जब तक हम इस विकट स्थिति परिस्थितियों से हम बाहर नहीं आएंगे, जब तक ये प्रयास हमारा चलता रहेगा सेवा में। अच्छा, प्रशासन की ओर से कोई अपेक्षा, कोई प्रशासन की ओर से कोई सहयोग की अपेक्षा रहेगी? सहयोग तो क्या है सर, कि अभी मतलब लोगों सोशल डिस्टेंस का पालन थोड़ा कम कर रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, मतलब जागरूक करें पब्लिक को, और बस ये कहना चाहता हूँ। टीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन।